स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीवीटी 2022 से जुड़ी एक शॉकिंग अपडेट देने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल पर हमारे जो है सीवीटी से रिलेटेड तमाम अपडेट आपको लगातार दी जा रही हैं। जो आपकी शॉकिंग अपडेट है ये करेक्शन विंडो को लेकर है, जो कि आज खुल सकती है या मतलब आज मॉर्निंग में बात की गई थी, लेकिन अभी 11 बजने को है, अभी तक आपकी करेक्शन विंडो नहीं खुली है। शायद 2-3 घंटे में अगर खुल जाएगी ठीक है, नहीं तो इवनिंग तक आज करेक्शन विंडो खुल जाएगी। तो इसमें शॉकिंग अपडेट क्या है? तो इसमें शॉकिंग अपडेट पहला ये है कि आपको जो है इसमें यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, और जहां तक है कि इसमें आपको सब्जेक्ट ऐड करने के भी मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आप जो है उसमें फॉर्म भरते समय नहीं फिल किए थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आप जो है फिल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने जनरल टेस्ट का पेपर नहीं दिया और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या इस करेक्शन विंडो में बिना जनरल टेस्ट के एडमिशन मिलेगा? इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको ये करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप जो जो भी और आपके पास जो प्रॉब्लम है करेक्शन विंडो में जो सुधारने के लिए जो जो प्रॉब्लम है आप कमेंट करिएगा, उस पर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, नहीं तो कमेंट में आप सभी का उत्तर दे दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।